सेनेट में आज पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पेश किया जाएगा। नजरियाती अकायद मजहबी और सियासी मामलात की खातिर धमकाना और तशद्दुद करना काबिल तासीर जुर्म होगा। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। लीडर ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मनसूख, खसासे प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद होंगे। मुलविस तंजीम पर 50 लाख रुपये जुर्माना और तंजीम तहलील होगी। तोशा खाना रेगुलेशन और मैनेजमेंट और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल भी पेश होगा। चीन के नायब वज़ीरे आज़म 3 रोज़ा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ली फेंग चांग सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। सी पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत होगी। वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। चीनी मेहमान की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। इस्लामाबाद में कल और परसों आम तातील। 1 अगस्त तक ट्रेल 3 और 5 भी बंद करने की तजवीज। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इनेकाद 1 अगस्त को होगा। आर्मी वफूद और माहरीन शिरकत करेंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ की काविशों से पाकिस्तान मौशी परवास के लिए तैयार। सोने और तांबे के वसी जखायर मुल्क की तकदीर बदलने के लिए काफी हैं। बैरिक गोल्ड कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो का कहना है कि रेकोडिक में कॉपर और गोल्ड के जखायर दुनिया के सबसे वसी जखायर में से एक हैं। MDGHPL ने पाकिस्तान में मौजूद मादनियात गैर मुल्की सरमायाकारी की कशिश का बायस करार दी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक बोले, दुनिया में एक खामोश इनकलाब आ रहा है और इसका गहरा ताल्लुक नादर और नायाब मादनियात और जखायर से मुंसलिक। One of the world's larger undeveloped copper gold deposits. हम एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं मिनरल्स के ऊपर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 1 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। हम मनसब शेख अब्दुल बिन ज़ाहिद अल-नहयान से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के फरोख पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन ज़ाहिद अल-नहयान के भाई की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। कराची की सड़कों पर पड़े गढ़े जिंदगियां निगलने लगे। पुराना गोलीमार में मोटरसाइकिल सवार मां बेटी हादसे में जान बहक। मोटरसाइकिल गढ़े में जाने से स्लिप हुई तो पीछे से आने वाले ट्रक ने मां बेटी को कुचल दिया। हस्ता बस्ता घराना उजड़ने पर अहले इलाका सोगवार। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मनशियात और हराजगी का स्कैंडल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब की तहकीकती कमेटी के TOR तब्दील। साबिक वाइस चांसलर अतर महबूब के खिलाफ माली बदउनवानियों और बेजाबतियों की तहकीकात का भी हुक्म। बोरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। बीवी बच्चों को अगवा और जख्मी करने वाला जुनूनी मुलजिम मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को असले की रिकवरी के लिए लेकर जाया जा रहा था। एहलकार से गन छीनने की कोशिश की, खींचा ताने के दौरान गोली चलने से मुलजिम हलाक हो गया। आवाम की दुहाई, हायर महंगाई। फलों सब्जी और गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफा। टमाटर आलू अदरक समेत हर चीज महंगी। टमाटर 130, आलू 120, अदरक 1100, लहसुन 380 और नींबू 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी कीमतें सुनकर चकरा गए। कहते हैं सफेद पोश तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी नामुमकिन होने लगा है। मुस्लिम लीग नून का 5 अगस्त को कसूर में जलसा। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीरे इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीरे आज़म लाहौर कसूर भावनगर मोटरवे का संग बुनियाद भी रखेंगे। मौसम की खराबी के बायस मुस्लिम लीग नून का आज कसूर में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया। PTI की बागियों के खिलाफ कार्रवाई, किसी को निकाल दिया, किसी को नोटिस। आज़म सवाती की जगह अली जफर सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल होने वालों को तहरीक इंसाफ से निकालने का ऐलान। साबिक वजीर आला महमूद खान समेत 22 साबिक अरकान असम्बली परवेज खट्टर की जमात में शामिल हुए थे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की तब्दीली के लिए दस्तखत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। MQM के राना अंसार की हिमायत पर PTI के 9 अरकान को शिकस्त। गिलगित बल्तिस्तान में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले 12 अरकान को भी शिकस्त नोटिस जारी।
सिंध का कचरा सैलाब की जद में। खैरपुर में दरियाए सिंध के पानी की सतह बुलंद। पीरकोट और गुम्बट के 70 से ज्यादा इलाकों का जमीनी रबता कट गया। कई इलाकों में लोग महसूर, फसलें भी जेर आब आ गईं। दरियाए सतलुज में भी पानी बढ़ने लगा। मुख्तलिफ मकामात पर कई हिफाजती बंद टूट गए। आरिफ वाला की बस्ती बूरे के करीब सड़क बह गई। कई देहात का जमीनी रबता मुनकता। इलाका मकीन सैलाबी पानी में फंस गए। एयरपोर्ट्स की निजकारी रोकने के जतन। सिविल एविएशन स्टाफ यूनियन का वफद आज दोपहर वजीर हवाबाजी से मिलेगा। एयरपोर्ट्स मुनाफे में जा रहे हैं तो निजकारी क्यों? ख्वाजा साद रफी को कायल करने के लिए एजेंडा तैयार। सऊदी अरब जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किल हल। सऊदी सफारती मिशन्स ने पाकिस्तान से ई वीजा का इजरा शुरू कर दिया। पुराने वीजा स्टिकर्स निज़ाम को प्रिंट शुदा ई वीज़ा में तब्दील कर दिया गया। मुसाफिर का डेटा और दुरुस्तगी की तस्दीक के लिए क्विक रिस्पॉन्स कोड शामिल। तमाम एयरलाइंस को मुरासला भेज दिया गया। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर पत्थर की हालत इजहार। मोदी सरकार ने इंटरनेट की बंदिश को कश्मीरियों के खिलाफ नया हथियार बना लिया। इंसानियत सोज मजालिम छुपाने के लिए 2018 से अब तक 418 मरतबा इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल की जा चुकी। आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद डेढ़ साल तक जारी रहने वाली इंटरनेट बंदिश दुनिया की तवील तरीन बंदिश है। भारत 4 साल से ज़राए इब्लाग की बंदिश में दुनिया भर में सारे फहरिस्त है। अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए अफगान तालिबान का वफद दोहा पहुंच गया। अफगान तालिबान खुद पर आयद पाबंदियों और ब्लैक लिस्टें ख़त्म कराने का मुतालबा दोहराएंगे। बैंक असासों की बहाली और अफगान फजाई हदूद के खिलाफ वर्जियाँ रोकने पर भी बात होगी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के एक और केस में नाकाम। अमरीकी अदालत ने CNN के खिलाफ हर जाने का दावा नाकाबिले समाअत करार दे दिया। CNN ने 2020 का इलेक्शन चुराए जाने का इल्जाम झूठा करार दिया था। एशेज का आखिरी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। ओवल में तीसरे दिन मेजबान इंग्लैंड की उम्दा बल्लेबाजी। 9 विकेटों पर 389 रन बना लिए। जो रूट 91, जॉनी ब्रेस्टो 78 और जैक क्रॉली 73 रन बनाकर नुमाए रहे। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर 377 रन की बर्तरी हो चुकी। आज का खेल अहमियत का हामिल होगा। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड के करियर का आखिरी मैच। ओवल टेस्ट के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लॉस एंजलस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की शमूलियत के इम्कान बढ़ गए। इवेंट में T20 क्रिकेट समेत 9 खेलों की शमूलियत के लिए लॉबिंग जारी। हतमी फैसला सितंबर में किया जाएगा।